रुक रुक के न देख रुक रुक के, रुक रुक के न देख रुक रुक के, देख बिना ब्रेक, डाउनलोड टक ऐप। ये है मयंक प्रताप सिंह, नाम याद कर लीजिए क्योंकि हो सकता है कि आने वाले दिनों में जनरल नॉलेज के लिए सवाल पूछ दिया जाए कि कौन है देश में सबसे कम उम्र में बनने वाला जज। जवाब देना होगा मयंक प्रताप सिंह। राजस्थान के मयंक प्रताप सिंह ने 21 साल की उम्र में जो मुकाम हासिल किया है वो आसान तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन मेहनत और लगन को साथ लेकर मयंक प्रताप ने ये कमाल कर दिखाया। जयपुर के 21 वर्षीय मयंक प्रताप सिंह देश के सबसे कम उम्र के जज बनने जा रहे हैं। 21 वर्षीय मयंक अपने परिवार के साथ इस समय हमारे साथ हैं। मयंक, आपको बहुत बधाई, जज बनने जा रहे हैं आप सबसे कम उम्र के, 21 साल की उम्र में। कितनी खुशी है आपके अंदर इस समय? जाहिर, बहुत बहुत खुशी हो रही है। मैंने रिज़ल्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये एक्सपेक्ट किया था सिलेक्शन हो जाएगा, पर इतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा ये बहुत बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, और खुशी का माहौल है बस घर में जब से रिजल्ट आया है। राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से राजस्थान न्यायिक सेवा भर्ती परीक्षा 2018 के नतीजे 19 नवंबर को घोषित किए गए, और इस परीक्षा में जयपुर के मयंक प्रताप सिंह ने टॉप कर इतिहास रचा। मयंक ने पहली कोशिश में ही ये सफलता हासिल की है। ना केवल आप सबसे कम उम्र के जज बनने जा रहे हैं, पर आपने टॉप भी किया है जो राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम है उसको। उसके बारे में बताइए, कितना कठिन था उसको क्लियर करना? बहुत कठिन था मेरे लिए। मैं अपना कॉलेज कंप्लीट कर रहा था, फाइनल ईयर में था, तो उसके बाद मैंने तैयारी करना स्टार्ट की, और कम टाइम की वजह से मुझे ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान देना पड़ा। कभी कभी 11 घंटे 12 घंटे जितना हो सका मैंने उतना दिया, ताकि एग्ज़ाम ख़त्म होने से शुरू होने से पहले मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाऊँ, टोटली रिवाइज कर पाऊँ और इस एग्ज़ाम में अच्छा कर पाऊँ। मेहनत काफ़ी लगी, कठिन। उम्मीद तो थी कि सिलेक्शन होगा, लेकिन टॉप करेंगे ऐसा सोचा भी नहीं था। राजस्थान उच्च न्यायालय ने इसी साल जो न्यूनतम एज है उसको 23 से घटाकर 21 कर दिया, वो आपके लिए मददगार साबित हुआ? जी, बहुत मददगार साबित हुआ, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब नोटिफिकेशन आया था वैकेंसीज का तो मैं एलिजिबल नहीं था, लेकिन सब्सिक्वेंटली उन्होंने एज रिड्यूस की और मैं एलिजिबल हुआ, तो आई फाइंड माई सेल्फ वेरी लकी दैट दिस ईयर व्हेन आई वाज क्लियरिंग माय कॉलेज आई आल्सो गॉट द अपॉर्चुनिटी टू अपीयर इन दिस एग्जाम। बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस साल अपीयर हो पाया और ये रैंक हासिल की। मयंक, ये बताएं कि किस बात ने या किस वजह से आपको इतनी इंस्पिरेशन मिली कि आपने जज बनने का तय किया? आपने 5 साल का LLB का कोर्स भी किया है राजस्थान यूनिवर्सिटी से, जो आपने इसी साल क्लियर किया है? जी, मैंने इसी साल राजस्थान यूनिवर्सिटी 5 ईयर लॉ कॉलेज से अपना BA LLB का कोर्स कंप्लीट किया है। और जहाँ तक प्रेरणा की बात है, मुझे लगता है कि जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था उसके बाद से मैंने देखा कि जजेस का कितना इम्पोर्टेंट रोल है सोसाइटी में। पेंडिंग केसेस हैं, लेकिन फिर भी बहुत कोशिश की है जजेस ने, और कोशिश करते हुए आ रहे हैं, आगे भी करेंगे, और मैं उसमें अपना योगदान देना चाहता था कि किस तरह से मैं समाज के लिए कुछ कर पाऊँ। राजस्थान हाईकोर्ट ने इसी साल परीक्षा के लिए न्यूनतम आयु को कम करके 21 साल कर दिया है। पहले ये उम्र 23 वर्ष थी, लेकिन इस साल से इसे 21 साल किया गया है। न्यूज़ तक ब्यूरो।